आज मैंने हॉस्पिटल पे चुपके ब्लॉग बनाने की कोशिश की बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे ना कैमरा लगा, कलेक्शन में तो लगा ही होता है बट बाहर भी कैमरा लगा है, बाकी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह घूमते रहते हैं, तो कोशिश की थी बट नहीं बना पाई। चलिए गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएंगे और जब मैं घर जाऊँगी तो कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा मेरे को दो तीन चीज़ों का इश्यू हो रहा है, मतलब दिक्कत हो रही है तो कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं मेरे, तो घर जाकर रेनू भी होगी साथ में और ब्लॉग भी आएंगे डेली। ओके तो ब्लॉग एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रेंसिन ब्लॉग्स में और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे से। तो अभी मैं छत में आई हुई हूँ, कल शाम को मैंने थोड़े कपड़े धोए थे तो ऐसे ही रह गए यहाँ पर, क्योंकि शाम के टाइम धोए थे तो सूखे भी नहीं थे और कल मौसम भी इतना अच्छा नहीं था, तो अभी आई हूँ लेने के लिए। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और आजकल मैं कहीं और जा रही हूँ, मतलब मेरी ड्यूटी जो है फीमेल हॉस्पिटल में लगी, हल्द्वानी का जो फीमेल हॉस्पिटल है वहाँ पे जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पे 8 बजे का टाइमिंग है। बीच वाले सेंटर में तो 8:30 तक चली जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो ये वाला सेंटर है इसमें मुझे 8 बजे जाना है क्योंकि यहाँ पर सैंपल जो है मॉर्निंग के टाइम पर ही आते हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है और टाइम भी हो ही रहा है। अब कलेक्शन में क्या होता है ना, बिल्कुल जहाँ पे बैठे फ्रंट पे फेस पे ही कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना सकते, सर लोगों की कॉल आ जाएगी, वहाँ पे फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता है बट वीडियो वगैरह बनाएंगे तो फिर सर लोग डांटेंगे हमें। और आज तो बहुत अच्छी धूप भी आई हुई है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर वाली छत से, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाते, सीधा मैं यहाँ से जाती हूँ तब बनाती हूँ और फिर सीधा घर आती हूँ उस टाइम बनाती हूँ, नहीं तो मैं सोच रही थी आप लोगों को मतलब सबसे मिलाऊं वहाँ पे जितने भी सर लोग हैं सीनियर्स मेरे और बाकी जो जो है मतलब हॉस्पिटल वगैरह जितना भी, बट नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे हमें डांट पड़ जाएगी अगर हमने ऐसे ब्लॉग वगैरह बनाया, तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ, खाली वहाँ का यहाँ का बस आने जाने का ही बन पाता है, बाकी घर का बनता है थोड़ा बहुत। घर पर भी मैं अकेले ही रहती हूँ, ड्यूटी जाते हैं दोनों, मैं तो उनसे पहले आ जाती हूँ, वो मेरे बाद ही आते हैं दोनों 8 बजे रात को। और बाकी आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी धूप आई हुई है यहाँ, इधर 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 सारी जगह बहुत अच्छी धूप है, बस कल थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा था और बाकी आज तो बहुत अच्छी धूप आई हुई है। तो आपने मौसम देख लिया होगा, बाकी अभी चलते हैं सीधा नीचे को, इधर को ऐसे होती हूँ तो अंधेरा आता है, इधर की साइड को अच्छा आता है, इसलिए मैं यहीं पर आके ब्लॉग बनाती हूँ हमेशा। तो अभी सीधा नीचे चलते हैं क्योंकि देर भी हो रही है। गाइज अभी रोटी बन गई है, अभी थोड़ा बस बाल बनाने बाकी है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, जीजू नहाने गए हैं, दीदी झाड़ू पोछा कर दी है और अभी मैंने अपना मतलब रोटी तो बन गई बट सब्जी अभी रखी हुई है छोले, तो अभी शायद छोले बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी 7:55 हो रहा है, अभी 5 मिनट और है 8 बजने में, मुझे 8 बजे तो वहाँ पहुँचने में, कोई नहीं 10-5 मिनट लेट हो जाऊँगी तो कोई बात नहीं। तो गाइज मैं नाश्ता करके निकल गई हूँ, 8 तो बज ही गए हैं, वैसे 8 से ज़्यादा हो गया टाइम, बट कोई नहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है और बाकी बहुत जल्दी में हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट का रास्ता कॉलोनी से बाहर को, अभी मेन मार्केट बिल्कुल सामने है, आजकल जगह चेंज हो गई, आजकल महिला पे जाना पड़ रहा है, लगता है थोड़ा आज आपको भावना मैम से मिलाऊं या कुछ। हेलो,
पे ब्लॉग नहीं बना रहे थे वहाँ पे कैमरा लगाया। वो खुद ही निकाल लेंगे। अभी मैं आ गई घर, बस पहुंचने वाली हूँ। आज भी 3 आइसक्रीम लेके आई, क्योंकि आज जीजू की भी छुट्टी है, दीदी की भी, दोनों की। और थोड़ा सा ये मूंग की दाल है, बाकी उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है तो उसने मूंग की दाल मंगाई थी। अभी बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है।